जितनी ज्यादती पीटीआई के साथ होनी थी वो तो हो चुकी है, और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा जो इस पार्टी की निशानी थी, जो पाकिस्तान की अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करती थी, वो निशानी हमसे ले ली गई है। लेकिन फिर भी हम अपने वोटर सपोर्टर को और सारे मेंबर्स को कह रहे हैं कि आप हौसला ना हारे, आप घबराए नहीं, अब 8 फरवरी की तैयारी करें, सारे मिलजुल कर के तैयारी करें, अपने कैंडिडेट को पहचानें और उस दिन के लिए तैयारी करें। और हमें अदलिया से भी उम्मीद अभी भी लगाए रखे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी फिर भी आपके सामने एक ह्यूमन राइट्स पिटीशन है और खान साहब की डिसक्वालिफिकेशन की भी एक पिटीशन है, मेहरबानी हो कि वो केसेस हमारे लग जाए। और हम ये भी दरख्वास्त करते हैं कि आप जब इलेक्शन 8 फरवरी को इंशाल्लाह ताला होने हैं, उसके लिए ऐसे इकदाम किए जाएं ताकि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। पहले सिलसिले में आपने देखा कई सारे लोगों को नामिनेशन फॉर्म फाइल करने नहीं दिया गया, फिर उनके प्रपोजर सेकेंडर को रोका गया, फिर उनकी स्क्रूटनी की नहीं कराई गई, फिर स्क्रूटनी के बाद लोगों से जोर दस्तरी कुछ विड्रावल करवाई गई, कुछ लोगों से रिटायरमेंट भी करवाई गई। अब जो फाइनल बचा है उसकी सिलसिले में हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है कि ऐसे इकदाम हो कि जब इलेक्शन हो तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती वाले रास्ते न इख्तियार हो, लेकिन वो इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे अहकाम जारी करेगी। आपका कोई क्वेश्चन? आप एक वक्त सुप्रीम कोर्ट पे आदमी एतमाद का भी इजहार करते हैं, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें भी लगाए बैठे हैं, ये कैसा तदाद है? देखिए, हमने कोई आदमी एतमाद नहीं किया, हमने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है, देखो शिकवा शिकायत और ग्रीवियंस सुप्रीम कोर्ट को ही दिखाना होता है। बिल्कुल हमें ग्रीवियंस है और हम उसकी रिव्यू फाइल करेंगे जो हमसे निशानी ले ली गई है, लेकिन हमने फिर भी सुप्रीम कोर्ट ही कुछ पास जाना है और सुप्रीम कोर्ट से ही हमारी दरख्वास्त है, और हम सुप्रीम कोर्ट पर ये एतमाद किए बैठे हैं कि वो हमारी ग्रीवियंस का आईन और कानून के मुताबिक फैसला करें। पाकिस्तान पर स्ट्राइक की है, आप पॉलिटिकल पार्टी की सीएस से क्या आपका क्या मतलब है, पाकिस्तान को क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को वो जवाब देना चाहिए जो कोई भी खुद मुख्तार मुल्क देगा, पाकिस्तान को वो जवाब देना चाहिए जो कोई भी खुद मुख्तार मुल्क अपने मुल्क में दरअंदाजी के खिलाफ आवाज़ देगा। और हम यही समझते हैं, और खान साहब ने पहले भी कई मरतबा कहा था कि बिलावल जब तक वो फॉरेन मिनिस्टर थे कभी वो अफगानिस्तान नहीं गए थे, वो सारे दौरे करते रहे, जापान तक जा गए, लेकिन अपने जो पड़ोसी ममालिक उनका कोई दौरा नहीं किया था, और दहशतगर्दी पे जैसी तवज्जो देनी चाहिए थी नहीं दी गई थी, इसलिए ऐसे सरकमस्टांसेस का होना पड़ा। लेकिन ये सीरियस इशू है, इसको अच्छे तरीके से एड्रेस करना चाहिए। देखिए, कोई नहीं है उसको छोड़े, वो हम इंटरनेशनल हमारे जाते हैं। आप कह रहे हैं कि कैंडिडेट की लिस्ट और फाइनल होगी, वेबसाइट पे लग जाएगी, लेकिन अभी तक लगी नहीं आपकी लिस्ट? आज इंशाल्लाह ताला 11-12 बजे तक हो जाएगी। कल लग जाएगी? नहीं, वो देखिए कुछ 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 हुई थी, कुछ कुछ ऐसी थी उसमें वो वकीलों के नाम थे, उस पर कुछ मशावरत होनी थी, इंशाल्लाह ताला आज 12 बजे तक सारी लिस्टें लग जाएगी। बरेसर साहब, क्या समझते हैं अफगानिस्तान पे जो जनरल फैज की पॉलिसी थी आपके दौरे हुकूमत में, वो दुरुस्त थी? देखो, हमारी सारी पॉलिसियाँ दुरुस्त थी, और हमारे सारे जो जितने भी पड़ोसी हैं उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, और जो फॉरेन पॉलिसी है वो कई सारे ऐसी पॉलिसियाँ हैं, और पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होती है वो कोर मैटर होता है किसी भी हुकूमत का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पॉलिसी से कोई गुफ्तगू हुई है आज? यस, खान साहब की स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ के सुनाया और सारी मीडिया के सामने भी कहा। इलेक्शन बॉयकॉट की तरफ से नहीं जाएंगे? नहीं, इलेक्शन बॉयकॉट नहीं, थैंक यू, इलेक्शन बॉयकॉट।